बीप कंपनी से चंदा आ गया। एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी कहती है गाय की पूजा करो, हम गाय की सेवा कर रहे हैं, इधर सांड से आत्महत्या हत्याएं हो रही है, मार दे रहा है सांड, उधर उस कंपनी से चंदा भारतीय जनता पार्टी लेती है। काला धन कहाँ गया? उसी चुनावी बांड से चंदा में उसके काले धन को सफेद कर दिया गया और उससे महाराष्ट्र में तोड़ा गया, नीतीश को तोड़ा गया, कहाँ तोड़ा गया, कहीं ईडी, कहीं सीबीआई, कहीं बुलडोजर, कहीं हिंदू, कहीं मुसलमान, कहीं राम को लाए हैं, कृष्ण को लाएंगे, अरे भैया अच्छे दिन कब लाएंगे, और 2 करोड़ नौकरी कब लाएंगे, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज का टिकट कब लाएंगे, किसानों की आय दुगना कब लाएंगे, नौजवान बेरोजगार बन के घूम रहा है उनके जीवन में खुशहाली कब लाएंगे। ये उत्तर प्रदेश में अगर कोई खुशहाली ला सकता है, भारतीय जनता पार्टी को रोक सकता है, उसका नाम अखिलेश यादव। वैक्सीन ने लगवाया, वैक्सीन लगवाया, कांग्रेस की सरकार में 54 का निशान होगा, उस पे तो उन्होंने नहीं मांगा। आप 510 करोड़ वैक्सीन कंपनी से ले लेते हो, जबरदस्ती वैक्सीन भी लगवाते हो, ये क्या गारंटी है? ये गारंटी है कि अगर ये आ जाते हैं तो संविधान बदलने की गारंटी है, लोकतंत्र बदलने की गारंटी है, मनुस्मृति ये लागू कर देंगे, फिर कोयरी, कुहार, लोहार, गड़रिया, भर, धरकार, कुर्मी, पटेल, जितनी जातियां, दलित, जाटव जितने हैं, इनको शिक्षा से, दवा से, चुनाव से दूर करेंगे, फिर अपना तानाशाही। राम की बात करते हैं, घट में है राम सूझे नहीं, लानत ऐसा जिंद, तुलसी या संसार को हुआ मोतिया बिंद। अखिलेश यादव गरीबों की आवाज है, मजदूरों की आवाज है, पिछड़ों की आवाज है, दलितों की आवाज है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण, श्रद्धेय नेताजी और रविदास जी, कबीर हो, जितने देश के अपने प्राणों की आहुति दिए हैं, सबकी आवाज बन करके वो। ये जो आपने कहा कि जो 24 का चुनाव का बिगुल फूंक गया है, इसी बिगुल के पहले सुप्रीम कोर्ट के दबाव से SBI का जो चंदा का विवरण देश को नहीं दुनिया को आया है, इसी से पूरा का पूरा पोल खुल जाता है। और आपने एक बात कहा कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है, इसी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौजवानों के एक पेपर नहीं करवा पाई, पेपर लीक हो गया। अभी हाल में ही 60 लाख लगभग लोगों ने आवेदन किया था, 50+ जो है परीक्षा में बैठे, पेपर लीक, और जब उन्होंने इसकी आवाज़ उठाया तो बर्बर लाठियों से उनको पीटा गया, कितने नौजवान आत्महत्या कर लिए। आइए ये सवाल आया, 1 लाख किसान आत्महत्या कर लिया, और ये हिंदू मुसलमान की बात करते रहे, राम की बात करते रहे, विश्व की बात करते रहे, 15 लाख की बात किए, 2 करोड़ नौकरी की बात किए, महिला सुरक्षा की बात किए, चीन की बात किए, राष्ट्र की बात किए, सबका बात किए, वो भी पूरा का पूरा जुमला सिद्ध हुआ। आप बताइए, जिस देश में किसान 1 लाख आत्महत्या करता हो, जो आंदोलन करने जाता हो उसे खालिस्तानी कहा जाता हो, उनको गोली से भून दिया जाता हो, मणिपुर जलता हो, विश्व शर्मसार होता है, पुलवामा की घटना होती है, जांच की रिपोर्ट नहीं आती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये जरूर आ गया कि उसी घटना के बाद पाकिस्तान से चंदा आ गया, बीप कंपनी से चंदा आ गया। एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी कहती है गाय की पूजा करो, हम गाय की सेवा कर रहे हैं, इधर सांड से आत्महत्या हत्याएं हो रही है, मार दे रहा है सांड, उधर उस कंपनी से चंदा भारतीय जनता पार्टी लेती है, वैक्सीन की कंपनी से चंदा लेती है 510 करोड़, 130 करोड़ जिस कंपनी की मालियत है, 410 करोड़ कितना चंदा देती है, ईडी, सीबीआई, आईटी को धमका करके चंदा लेने का डेट भी आता है, और जो वो रेट पड़ती उसका भी डेट आता है, तो पूरा। और इनके सांसद कहते हैं कि 400 पार होंगे तो हम संविधान बदल देंगे, तो ये सवाल है, अग्निवीर जैसी योजना लाकर आप क्या करना चाहते हैं? चीन आज हमने देखा, एक कोई समाचार में निकला था, माननीय प्रधानमंत्री जी अरुणाचल में सभा कर रहे थे, चीन बोला ये हमारा है, मानसरोवर उसके कब्जे में है, किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान किसान बेरोजगार, अति पिछड़ा, पिछड़ा गरीब, दलित, महंगाई, इनकी गलत नीयत के कारण नोटबंदी से क्या फायदा हुआ बताएं, उसे बोल करके ये वोट मांगे।
जनता में बताएं कि हमने नोटबंदी किया था, आप वोट दे दो। काला धन कहाँ गया? उसी चुनावी बांड से चंदा में उसके काले धन को सफ़ेद कर दिया गया और उससे महाराष्ट्र में तोड़ा गया, नीतीश को तोड़ा गया, कहाँ तोड़ा गया, कहीं ईडी, कहीं सीबीआई, कहीं बुलडोजर, कहीं हिंदू, कहीं मुसलमान, कहीं राम को लाए हैं, कृष्ण को लाएंगे। अरे भैया अच्छे दिन कब लाएंगे? और 2 करोड़ नौकरी कब लाएंगे? हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज़ का टिकट कब लाएंगे? किसानों की आय दुगना कब लाएंगे? नौजवान बेरोजगार बन के घूम रहा उनके जीवन में खुशहाली कब लाएंगे? ये उत्तर प्रदेश में अगर कोई खुशहाली ला सकता है, भारतीय जनता पार्टी को रोक सकता है, उसका नाम अखिलेश यादव। बाबा मोदी की गारंटी, मोदी जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी में 5 किलो राशन जनता को दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? देखिए उनकी गारंटी, आप क्या गारंटी की बात कर रहे हैं भाई, उनकी कौन सी गारंटी? उनकी गारंटी ये जरूर है कि भ्रष्टाचार की गारंटी हुई, जुमले की गारंटी हुई और संविधान बदलने की गारंटी हो सकती है। 400 पार डीजल बढ़ सकता है, इसकी गारंटी है। पेट्रोल बढ़ सकता है, इसकी गारंटी है। गैस सिलेंडर बढ़ सकता है, इसकी गारंटी है। नौजवान अशिक्षित हो सकता है, इसकी गारंटी है। जो धर्म पे व्यापार करता हो उसकी कौन सी गारंटी हो सकती है? आप 10 साल में क्या आपने करके दिखाया? एक योजना कोई बता दे धरातल पे। 5 किलो राशन की बात करते हैं, 5 किलो राशन किसको दे रहे हैं? इसका मतलब सिद्ध होता है कि आपने कुछ किया ही नहीं। 5 किलो राशन पे आप वोट मांग रहे हो और आप वादा किए थे 2 करोड़ नौकरी का, वादा किए थे 15 लाख का और दिए 5 किलो राशन। 5 किलो राशन में क्या होगा? आपके आपको दे दिया जाए, आप क्या कर लेंगे? जो आप चला रहे कैमरा, इसका कुछ कर पाएंगे? पेट भरेंगे इसके? मतलब यही तो मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार आती है तो पेट भरने के लिए अभी राशन दे रही है, कुछ और दे देगी। केवल खाओ, जियो और वोट करो जहाँ हम बोले। तुम न पार्लियामेंट में जाओ, न विधानसभा में जाओ, न अधिकारी बनो और न डॉक्टर बनो, न देश की सीमा पे जाओ, न विदेश में जाओ, न शिक्षित बनो, न बोलने का अधिकार तुम्हें मिले। यही तो है जिसको गुलाम, एक बात बताओ, खाना खा करके एक लालच दे करके उसे जैसे एक नशा किया जाता है। ये 5 किलो राशन, 5 किलो राशन ये है क्या? 5 किलो राशन भाई क्या है? पूर्व की सरकार नहीं देती थी तब तो डीजल, ये मट्टी तेल देती थी, राशन देती थी। वैक्सीन ने लगवाया, वैक्सीन लगवाया कांग्रेस की सरकार में 54 का निशान होगा, उनने उस पर तो उन्होंने नहीं मांगा। आप 510 करोड़ वैक्सीन कंपनी से ले लेते हो, जबरदस्ती वैक्सीन भी लगवाते हो। तो इस तरह से धर्म के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, अगड़े के नाम पे, पिछड़े के नाम पे, गारंटी के नाम पे, शक्ति के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, परिवारवाद के नाम पे केवल भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने का, नफरत पैदा करने का, वोट लेने के लिए काम करती है। उसके बाद जब पिछड़े या पिछड़े गरीबों को जब उसको आरक्षण देना होगा, उसको नौकरी देना होगा, उसको सुख सुविधा देना होगा, उसको सुरक्षा देना होगा। अभी उत्तर प्रदेश में पुलिसों के गोली से कितने शिक्षकों की मौत हो गई, बुलडोजर चल गया, फर्जी मुकदमे में जेल चले गए। ये पुलिस की भर्ती में घोटाला लीक किसने किया? फर्जी लोगों को बंद कर दिए आप। इसी बीच में माहौल में आज अगर रविदास के पदचिन्हों पे, कबीर के पदचिन्हों पे, बाबा भीमराव अंबेडकर के पदचिन्हों पे, रामकृष्ण लोहिया जयप्रकाश नारायण के पदचिन्हों विचारधारों से कोई लैस है तो उत्तर प्रदेश में वो लैस है। उसका नाम अखिलेश यादव, उन्होंने कहा पीडीए मेरा भगवान है। यही तो धर्म कहता, यही कबीर कहे, यही तुलसी कहे, यही रविदास कहे कि अगर कोई गरीब के घर में कोई गरीब हो, उसके घर में खुशहाली लाओ, उसका पेट भर दो, उसके घर में शिक्षा लाओ, उसके घर में दवा लाओ, उसके घर में सुविधा लाओ, तो यही भगवान की सेवा होगी, यही धर्म होगा, यही अखिलेश यादव कहे पीडीए मेरा भगवान है और मेरा संविधान है तो मेरा धर्म, मेरा ग्रंथ है तो संविधान है, मेरा मंदिर है तो सबसे बड़ा पार्लियामेंट है। अखिलेश यादव मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, उसका विरोध नहीं करते, वो वोट मांगते हैं, वो वोट मांगते हैं तो कहते मेरा काम बोलता है, मैंने लैपटॉप दिया, कन्या विद्या धन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, इकाना स्टेडियम, आगरा एक्सप्रेसवे, जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया, लोहिया आवास दिया, मैं लैपटॉप जब अखिलेश यादव जी बांट रहे थे, यही विपक्ष के लोग क्या क्या सवाल करते थे, आज वही लैपटॉप
आज उसी डिजिटल इंडिया, आज उसी के रूप में आज उत्तर प्रदेश जाना जाता है। तो अखिलेश यादव के साथ पूरा 60 लाख नौजवान तो खड़ा है, वहीं किसान भी खड़ा है, वहीं महिलाएं भी खड़ा है, वहीं 60 लाख नौजवानों के माता पिता भी खड़े हैं, और किसान भी खड़ा है, मजदूर भी खड़ा है, 69,000 शिक्षक वाले भर्ती भी खड़े हैं, अग्निवीर जैसी योजना वाले भी खड़े हैं, जो सेना में भर्ती एडमिट कार्ड ले करके घूम रहे हैं वो भी खड़े हैं। तो ये 400 पार हो कहाँ से रहे हैं, ये कहाँ से हो रहे हैं, ये क्या गारंटी है? ये गारंटी है कि अगर ये आ जाते हैं तो संविधान बदलने की गारंटी है, लोकतंत्र बदलने की गारंटी है, मनुस्मृति ये लागू कर देंगे, फिर कोयरी कुहार लोहार गड़रिया भर धरकार कुर्मी पटेल जितनी जातियाँ दलित जाटव जितने हैं इनको शिक्षा से दवा से चुनाव से दूर करेंगे, फिर अपना तानाशाही करेंगे। आप बता दो, इस देश में 15 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ किया गया कि नहीं किया गया, आप बताओ, बोलो भाई मुझे। हाँ, किया गया। डर तो नहीं लग रही भाजपा? बिल्कुल नहीं, नहीं लग रही ना। 15 लाख किया गया, किसानों क्यों नहीं किया गया, किसानों क्यों नहीं किया गया, और उन्हीं को माफ किया गया, उन्हीं को लोन दे दिया गया, देश का खजाना खाली, किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान आत्महत्या कर रहा है। तो ये सरकार की नीति नियत स्पष्ट हो गई है, नौजवान किसान मजदूर महिला जितने आंदोलनकारी हैं सब इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव के साथ है। उत्तर प्रदेश से भाजपा जाएगी और उत्तर प्रदेश से आई थी, उत्तर प्रदेश से चली जाएगी। बाबा जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनका एक बयान था कि सपा बसपा कांग्रेस इस बार यूपी में शून्य पर नजर आएगी। वो खुद ही चुनाव अपना हार गए, शून्य पे हैं, MLC बन के मंत्री बने हैं, वो क्या बताएंगे। केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ों की बात करें, उनका पद छीन लिया जाएगा, नौजवानों की अब आवाज़ उठा दें उनको हटा दिया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य इसलिए बोलते हैं अनाप शनाप बयान, अखिलेश यादव भी बोलते हैं कि उनका भारतीय जनता पार्टी में कद बना रहे, अपना बोल बोल करके अपने पद और सुख सुविधा लेते रहें, उन्हें ने पिछड़ों से मतलब है, नौजवानों से मतलब, एक बार बोले उन्होंने, उनको तो अगर ये है कि जो परीक्षा नहीं करवा पाई सरकार, राज धर्म का पालन करते हुए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, राम के आदर्शों पे चलते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर राम की बात करते हैं तो ये लोग केवल शून्य और जीरो की बात करते हैं। और मैंने आपको गिनाया ने नौजवान 60 लाख इनके खिलाफ, 69,000 शिक्षक जितने संघ से ले करके जितने ये अग्निवीर सेना के भर्ती तमाम आंदोलनकारी सब इनके विपक्ष में है, आवाज़ उठा रहे हैं, आज तक आंदोलन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, आपने देखा है विधानसभा के परसेंटेज का वोट आप निकाल लीजिए, वो तो इतना मारा मारी और इतना, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करा दे तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ दहाई में नहीं जाएगी। आपको क्या लग रहा है चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहा है? अगर ये कराता तो आयोग अध्यक्ष क्यों इस्तीफा दे देता, क्यों दिया, उसका कोई कारण बताओ, नोटिस देश को देश के जनता को जानने को मिला, कारण बताओ, नोटिस होनी चाहिए, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया फिर बैठाया गया। अगर आप बता दो सुप्रीम कोर्ट का दबाव नहीं होता तो चंदा का जितना धन आया था जनता के पास आता क्या? भाजपा वाले कहते हैं कि कांग्रेस 70 साल का हिसाब नहीं दे रही है। अरे वो 70 साल का ना दे रही है, 10 साल के लेने में पूरा विश्व शर्मसार हो गया। अगर ये जनता का कानून अन्य देशों में होता तो ये सरकार गिर जाती केवल आते समय। और राम की बात करते हैं, घट में है राम सूझे नहीं, लानत ऐसा जिंद, तुलसी या संसार को हुआ मोतिया बिंद। अब बताइए इनको नैतिकता के आधार पर के पर जो है इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, राजधर्म का पालन करते हुए। किसान 1 लाख आत्महत्या किया, नौजवान देखिए, नौजवानों को अगर नौकरी चाहिए तो अखिलेश यादव को जिताना होगा। नौकरी की गारंटी अगर कोई लेगा तो उसका एक ही नाम है अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन। खुशहाली बेरोजगारी दूर होगी, नौकरी मिलेगी, इन्होंने ये कहते हैं मेरा काम बोलता है, इसलिए
नौजवान ये संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, नौजवान किसान अगड़ा पिछड़ा दबा कुचला आम जनमानस अखिलेश यादव जी के साथ है। अखिलेश यादव गरीबों की आवाज़ है, मजदूरों की आवाज़ है, पिछड़ों की आवाज़ है, दलितों की आवाज़ है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, श्रद्धेय नेताजी और रविदास जी कबीर हों, जितने देश के अपने प्राणों की आहुति दिए हैं, सबकी आवाज़ बन करके वो संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए आवाज़ लगा रहे हैं। हमें गांव-गांव में चल करके, जन जन में मिल करके सच्चाई को बताना होगा, संविधान और लोकतंत्र बचाना होगा।